पूरी धरती का 71% पानी और 29% स्थल भाग है, और इतने में ही हम इंसान बस्ती बसाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा समंदर इतना विशाल है जिसके आगे हमारी कल्पना भी हार जाती है। इन विशालकाय समंदर के नीचे हजारों रहस्यमय जगहें और चीजें हैं जिनके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन्हीं सब रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक की। इस जहाज के डूबने के 73 सालों तक किसी को ये पता नहीं चल पाया कि ये जहाज कहाँ डूबा था और किस अवस्था में मौजूद है। 15 अप्रैल 1912 को ये अनोखा जहाज डूबा था। इसके लगभग 73 सालों बाद यानी 1985 में उसे ढूंढा गया, लेकिन इसे ढूंढने के 35 सालों बाद भी इस जहाज को समंदर की गहराइयों से अभी तक निकाला नहीं जा सका है। आज की हमारी इस वीडियो में हम टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जहाज आज भी समंदर की गहराइयों से निकाला क्यों नहीं गया इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में हम सबको थोड़ा बहुत पता तो जरूर है, और इस जानकारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नाम की इस आइकॉनिक मूवी का, जो सन 1997 को रिलीज हुई थी। सन 1912 को टाइटैनिक डूबने के बाद करीब 73 सालों तक वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की और कई सारे मिशन भी इसकी तलाश में किए गए, लेकिन किसी को भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। आखिरकार सन 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट और बिल टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े, और उन्हें टाइटैनिक अभी कहाँ है और किस हालत में है इसके बारे में पता चला। उनके टाइटैनिक को ढूंढने के बाद इसके कई राजों से पर्दा उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समंदर के 12,000 फीट गहराइयों में डूबा था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत थी, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में समाती गई, वैसे वैसे ये जहाज दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट में ये बताया गया कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबी थी, टाइटैनिक में आग लगने की वजह से ये डूबा था। खोजियों को जब इस जहाज का मलबा मिला तब उन्होंने ये पाया कि इसमें मौजूद बहुत सी चीजें वैसी की वैसी ही हैं। इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन शायद सब लोग ये जान गए थे कि इससे वापस बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को निकाला नहीं जा सका है, और ये समंदर की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर किसी भी जहाज को समंदर के नीचे से जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरीके से निकाल पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये दो हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद उसे निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है टाइटैनिक का वजन, जो करीब 1.43 लाख टन है, जो बहुत ही ज्यादा है। और इसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को और भी कई गुना बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी उस जगह की गहराई बहुत ज्यादा है, और उस जगह से मात्र 1 स्क्वायर फीट की किसी भी चीज को सतह तक लाने के लिए करीब 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इतनी पावरफुल मैग्नेट या सबमरीन बना नहीं पाए हैं जो इतनी आसानी से इतने गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने कई मजेदार तरीके ट्राई किए टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए, जिसमें सबसे पहला पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को रिकवर करने का प्लान सोचा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पिंग पोंग बॉल। वैज्ञानिकों ने यह तरकीब लगाई कि वो डूबे टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि ये बॉल ऊपर की तरफ दबाव डाले, और ऐसे करके सबमरीन या फिर बड़े मैग्नेट की मदद से जहाज को बाहर निकालना मुमकिन हो। लेकिन तब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये पिंग पोंग बॉल समंदर की गहराइयों तक जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगे। तब वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े बलून्स की मदद से इस काम को अंजाम देने की परिकल्पना की। उन्होंने ये सोचा कि अगर हजारों लाखों बलून्स में हीलियम गैस भरकर इन बलून्स को जहाज से बांध दिया जाए, तब ये बलून्स ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके टाइटैनिक को निकाला जा सकेगा। लेकिन तब वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में इन बलून्स में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और ये भी एक फ्लॉप आइडिया था। आखिरकार वैज्ञानिकों ने ये तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है, और जिसलिए बर्फ पानी में तैरता है। उन्होंने ये सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पर मौजूद है, अगर किसी भी तरह उस जगह के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए, तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब को बताया अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पियरे ने। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में करीब 500,000 टन लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, और तभी सबके मन में ये सवाल आया कि इतने विशाल मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को
इतनी गहराई तक कैसे ले जाया जाएगा, और अंत में ये प्रोजेक्ट भी कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिक को निकालने का एक आइडिया दिया। उनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक पे जमे शैवाल को और गंदगी को साफ करना पड़ेगा, और इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन की जरूरत होगी। इसके बाद एक मजबूत लोहे की मोटी तार से टाइटैनिक को इस बोट से जोड़ देना पड़ेगा, और बाकी का काम ये मशीन ही कर देगा। और एक ऐसी सबमरीन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसका टैंक गैस से फुल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होगी। रिसर्चरों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत होगी, और इस बिजली की उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट की भी जरूरत है। लेकिन समस्या ये थी कि समंदर की इस गहराई में पावर प्लांट कैसे बनाया जाए। वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने के बारे में भी सोचा, पर इतनी गहराई में इलेक्ट्रिक वायर टिक नहीं पाएगी। पानी के अधिक दबाव से ये वायर फट जाएगी। कैसे भी करके अगर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे भी दिया गया तो फिर भी ये प्रोजेक्ट काफी महंगी साबित होगी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया गया। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा, पर इसमें इतना खर्च है कि इसके बारे में नहीं सोचना ही बेहतर है, क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने में जितना खर्च है उस पैसे की रिकवरी करना नामुमकिन के बराबर है। इसी कारणवश इस प्रोजेक्ट को कोई भी अंजाम नहीं देना चाहता। अगर कोई कंपनी इसे निकाल कर म्यूजियम में रख भी दे तो भी इसमें किए गए खर्च को रिकवर करने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। हालांकि इस अनोखे जहाज से लोगों की इमोशंस जुड़ी है, लेकिन फिर भी कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती। वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरियाओं ने इसके मलबे को खोखला कर दिया है, और आने वाले कुछ सालों में ये बैक्टीरिया टाइटैनिक को पूरी तरह तहस नहस कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटैनिक बहुत से सामुद्रिक मछलियों का घर बन चुका है, इसलिए यूनेस्को ने साल 2001 में टाइटैनिक को अंडरवाटर कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया है। कहा जाता है कि इस जहाज को निकालने में जितना खर्चा होगा उतने पैसे में दूसरी और भी बेहतर जहाज खरीदी जा सकती है, और कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफी करना नहीं चाहेगी। वैसे तो इस जहाज को कभी समंदर की गहराइयों से बाहर नहीं निकाला जा सकता, और अगर ये जहाज ऐसे समंदर में आने वाले दिनों में भी टिकी रही तो हमारी आने वाली नस्ल भी इसकी रहस्यमयी गाथाओं को जान पाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो देखते रहने के लिए शुक्रिया।